बरसात के मौसम में कई तरह के संक्रमण तेजी से फैलने लगते हैं। इन्हीं में से एक है चांदीपुरा वायरस, जो कि इस वक्त गुजरात में अपना कहर मचा रहा है। आपको बता दें, चांदीपुरा वायरस की चपेट में आकर कई बच्चे अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आखिर क्या है ये चांदीपुरा वायरस, क्या है इसके लक्षण, कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, और ये आखिर बच्चों को अपनी चपेट में क्यों ले रहा है? आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल से अतुल गोगिया, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है और इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट के हेड हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो वायरस है जिसने इस वक्त गुजरात में कोहराम मचाया हुआ है, जिसका नाम है चांदीपुरा वायरस, आखिर ये वायरस है क्या? देखिए, चांदीपुरा वायरस एक इन्फेक्शन है जो कि और वायरल इन्फेक्शन जैसे हम सुनते हैं होते हैं, तो आम तौर पे ये 5 से 15 साल के बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। तो ये एक जी वायरल इन्फेक्शन है जो कि हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, मरीज के ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सीरियसनेस से देखा जाता है, क्योंकि ये हमारे वायरल इनकेफेलाइटिस, जिसको आम भाषा में या दिमागी बुखार बोले, उस तरह की प्रॉब्लम कर सकता है, जिसकी वजह से इसके बारे में थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है। रहने की जरूरत है। तो ये जो वायरस है चांदीपुरा वायरस, इसका कारण क्या है, क्यों ये फैल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है इसके फैलने की? तो चांदीपुरा वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत सालों से है। और चांदीपुरा वायरस इसका नाम पड़ा है क्योंकि चांदीपुरा जो जगह है, एक महाराष्ट्र में स्मॉल प्लेस है जहां पे पहली बार इस तरह के इन्फेक्शन पाए गए। तो ये बीच बीच में आउटब्रेक्स होते रहते हैं महाराष्ट्र, गुजरात इन एरियाज में, क्योंकि जो चांदीपुरा वायरस है बेसिकली वो सैंड फ्लाई जो है उसके से फैलता है। तो बारिश के मौसम में जैसे हम जानते हैं कि मच्छर या इस तरह के इंसेक्ट्स और ये सब की ज्यादा पनपते हैं ये, तो सैंड फ्लाइज अगर किसी एक एरिया में ज्यादा हो रहे हैं और ये वायरस उस एरिया में है, तो उससे ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि बारिश के मौसम में ये सैंड फ्लाई वगैरह बढ़ जाता है, तो इसी के उसके काटने से जब इन्फेक्शन होता है, जैसे आप डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया सुनते हैं कि मच्छर के काटने से होता है, उस तरह से ये जो इन्फेक्शन है ये सैंड फ्लाई के माध्यम से होता है। तो इन एरियाज में अगर वो ज्यादा ब्रीडिंग होती तो उसके काटने से होता है, और बच्चे हैं वो आमतौर पे उनका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम रहता है, वो बाहर खुले में, पानी में, घास फूस वाले इलाके में खेलने जाते हैं, तो उनका इंसेक्ट्स वगैरह से इनसे ज्यादा एक्सपोजर होता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी, और बात अगर इस वायरस के लक्षण की करें तो वो कौन कौन से लक्षण हैं जो शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ते हैं मरीज में या फिर बच्चे को जिसको ये मच्छर काट जाता है या ये वायरस हो जाता है? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है तो शुरुआती लक्षण सबके एक जैसे होते हैं कि तेज बुखार होना, शरीर दर्द होना, सर दर्द होना, सुस्ती होना, तो इसीलिए शुरू में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन से बीमारी की वजह से है। बट जैसे हम जान रहे हैं कि चांदीपुरा इलाके में या गुजरात के एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, तो और तेज बुखार हो रहा है, सुस्ती आ रही है, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें अलर्ट रहने की जरूरत है और डॉक्टर की हेल्प लेने की जरूरत है ताकि जल्दी से इनका सपोर्टिव इलाज किया जा सके। अच्छा डॉक्टर, अगर बात एक वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की करें और चांदीपुरा वायरस के सिम्टम्स की करें, तो कैसे दोनों में अंतर पहचाना जाएगा? वही मैं बता रहा हूं कि सारे जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनके लगभग शुरुआती सिम्टम एक ही जैसे होते हैं कि बुखार होना, शरीर दर्द होना, सुस्ती होना, तो आप उनको सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे अलग नहीं कर सकते। बट अगर अच्छा आप लोकल अपनी ज्योग्राफिकल एरिया में देख रहे हैं कि इस तरह के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, तो आपका डॉक्टर का या हेल्थ केयर वर्कर का और लोगों का इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है ताकि इसके लिए जांच हो सके या इसके लिए इलाज हो सके। चांदीपुरा वायरस का जैसे मैंने बताया कि वो ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है, तो सुस्ती होना, बेहोशी आना, दौरा पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है अगर बीमारी ज्यादा हो जाए, ये ज्यादा फैल जाता है अगर बॉडी में।
तो मतलब कोई डिफरेंस हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, वो हमें ऐसे डॉक्टर के पास डिफरेंशिएट। विजिट करके हाँ ही पता हाँ चल पाएगा कि चांदीपुरा वायरस से इन्फेक्टेड है या नॉर्मल वायरल है। बिल्कुल 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 जी, और वहीं अगर बात करें शुरुआती इलाज की, तो जैसे ही इस वायरस के थोड़ी सी भनक लगती है या जानकारी प्राप्त होती है, तो घर पे ही क्या शुरुआती इलाज जो है वो दिया जा सकता है मरीज को? देखो, कोई भी इलाज जो है अपने आप से करना नहीं चाहिए, बट बुखार है अगर किसी को शुरुआती, तो बुखार की दवाई है कि पैरासिटामोल है, हाइड्रेशन है, इसका ध्यान रखना है। बट अगर बच्चा है या बड़ा भी है, तेज बुखार है, सर में दर्द बता रहे हैं, बेहोशी हो रही है, सुस्ती आ रही है, तो उसको डॉक्टर के संपर्क में रहना है और अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना। बट हाँ, आप सिंपल बेसिक बुखार की दवाई है, पैरासिटामोल है, हाइड्रेशन है, इन सब चीजों के लिए आप शुरुआती तौर पे कर सकते हैं। बट अगर किसी को तेज बुखार रह रहा है और स्पेशली अगर सुस्ती आ रही है, खाना नहीं खा रहा बच्चा है, उल्टी कर रहे हैं, सर में दर्द ज्यादा हो रहा है, तो उसको मेडिकल हेल्प तुरंत लेके ही एडवाइस के, डॉक्टर की एडवाइस से ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अच्छा, तो क्या ये वायरस जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात जो सिलेक्टेड स्टेट्स हैं वहीं पर ही पाया जा रहा है, या फिर पूरे ओवरऑल इंडिया में भी इसका खतरा देखने को मिल सकता है? जैसे मैंने बताया कि ये जो है कि सैंड फ्लाई के काटने से है, तो आम तौर पे जितनी भी तरह है ज्यादातर उन्हीं इलाकों में देखा गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं और भी नहीं पाया जा सकता। बट ये सीजनल इंफेक्शन है, लोकली ज्यादातर देखे जाते हैं। आप अलग अलग वायरसेस देखते हैं कि कभी नीपा वायरस है या और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, तो वो अलग अलग इलाकों में ज्यादा पाया जाता है कि यूपी में आप इंसेफ्लाइटिस ज्यादा देखते हैं, साउथ में आपने नीपा देखा, तो ऐसे वायरस ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन में रहता है। बट ऐसा नहीं है कि और नहीं हो सकता, अगर और कहीं इलाकों में सैंड भी? फ्लाई है वो और है तो, बट जनरली अगर एक एरिया में है तो उस रीजन में और उसके आसपास सतर्कता रखनी चाहिए और अलर्टनेस रहनी चाहिए। जी, और अगर देखा जाए तो जो बरसात का मौसम होता है उसी में जो इतनी सारी इन्फेक्शियस डिजीज हैं ये हमला करती हैं, तो बरसात का इन्फेक्शियस डिजीज से क्या कनेक्शन है, एक बार इसके बारे में विस्तार से बताइएगा। बरसात में आप, हम जानते हैं, दो तरह के इन्फेक्शन ज्यादा होने लग जाते हैं। एक, क्योंकि आप, हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि जो इंसेक्ट या वेक्टर बॉर्न डिजीज है, जैसे डेंगी है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, या चांदीपुरा की बात कर रहे हैं, या इस तरह के वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छर के काटने से या इससे है, तो ये मच्छर का पनपना है, सफाई, पानी इकट्ठा होना, मॉस्किटो ब्रीडिंग, इस तरह से तो ये बढ़ जाती है। तो इस तरह के इन्फेक्शन आमतौर पर सीजन में, बारिश के सीजन में ज्यादा होने लगते हैं। और दूसरा है कि वाटर कंटेमिनेशन की वजह से जॉन्डिस का होना, वायरल हेपेटाइटिस है, टाइफॉइड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जो दस्त लग जाना, क्योंकि पानी जो है वो वाटर लॉगिंग है, कंटेमिनेशन हो जाता है कहीं ना कहीं हमारे खाने पानी के साथ, वो उसकी वजह से हम लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस सीजन में इसी की वजह से ज्यादा इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। अच्छा, जो ये वायरस है चांदीपुरा, मैं जानना चाहूंगी कि इसका जो नाम है वो चांदीपुरा क्यों रखा गया है, और जो पहला मामला निकल कर सामने आया था इस वायरस का वो कब आया था? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चांदीपुरा क्योंकि एक स्मॉल जगह है जहां पे ये पाया गया, इसलिए उसका नाम चांदीपुरा रखा गया है। तो अच्छा, सिर्फ सबसे इसी शहर पहले के ये स्मॉल चांदीपुरा टाउन, नाम की जगह पर पाया हाँ, गया था। जगह से पहली बार पाया गया। और जैसे मैंने बताया, वो 1960s में ही पहली बार पाया गया था, और उसके बाद बीच बीच में कभी कभी छोटे छोटे आउटब्रेक्स होते रहते हैं। और इसीलिए जैसे अभी रिसेंटली गुजरात में हो रहा है, तो इसके लिए अलर्टनेस है और हाइजीन है, सैंड फ्लाइज है, इंसेक्ट्स है, इन सब का सफाई और वाटर लॉगिंग और इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम बच सकते हैं। अच्छा, तो क्या क्या अलर्ट जो हैं वो जारी किए गए हैं, या फिर क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए इससे बचाव के लिए गुजरात में? जैसे मैंने बताया, अलर्टनेस के लिए यही है कि प्रिवेंशन के लिए यही है कि ऐसी जगह पे आप नहीं जाएं जहां पे आपको लगता है कि इन्फेस्टेड है, कीड़े हैं, पानी है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, झाड़ी है। अपने बॉडी को, पार्ट्स को फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, शॉर्ट्स नहीं पहने, बच्चे जैसे जाते हैं, तो ऐसी जगह में ज्यादा ना जाएं जहाँ पानी वगैरह कलेक्टेड है। इन चीजों का ध्यान रखना है। और किसी को सिम्टम्स होते हैं तो उसको मेडिकल हेल्प लेनी है। कि जैसे मैंने बताया, बुखार है, सर दर्द है, सुस्ती है, उल्टी है, तो उसको डॉक्टर की हेल्प लेनी है, क्योंकि हो सकता है वो अगर उस रीजन में है तो ये उस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं।
अच्छा, जैसे कि ये वायरस बच्चों को ज्यादा अपना शिकार बना रहा है, और ये तो साफ है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो काफी कमजोर होती है, यही वजह है कि बच्चे आसानी से इस वायरस की चपेट में भी आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसे में बारिश का जब मौसम होता है तो बच्चे बरसात के मौसम में खेले ना, ये थोड़ी सी नामुमकिन सी बात होती है, बच्चों को रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे किया जाए ताकि अगर ये वायरस हमला भी करे तो थोड़े कम चांसेस हों उससे अफेक्ट होने। ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता कि आप इम्यूनिटी किसी की बूस्ट करें। वो तो जनरल मेजर्स हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े वगैरह पहने ताकि अगर कोई इंसेक्ट बाइट वगैरह से बचा जा सके। इन चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम काफी हद तक बच सकते हैं। और क्योंकि आम तौर पे ये इन्फेक्शन अगर आपको होता भी है तो मेजोरिटी ऑफ द लोगों में, बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है कि वो आम बुखार की तरह हफ्ते 10 दिन में ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, और डाइट की अगर पर्टिकुलर बात करें तो आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि डाइट में क्या कुछ शामिल कर सकते हैं एक बच्चों की पौष्टिक डाइट में डाइट, खासतौर जैसे पर? मैंने बताया, एक पौष्टिक डाइट है, एक मिक्स डाइट है जिसमें फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, इन सब चीजों का एक मिक्स पोर्शन है जो हमें एक डेली डे टू डे बेसिस पे लेना चाहिए। वो इस बीमारी या हर एक बीमारी से आपको बचाने के लिए सक्षम रहती है। अगर हम एक पौष्टिक डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, जो कि मतलब कि फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, दालें हैं, अगर आप लोग अंडा खाते हैं, बच्चे लोग दूध है, ये सारी चीजों को अगर एक मिक्स डाइट हम लेते हैं तो उससे हम स्वस्थ रहते हैं बच्चे, और कोई भी इन्फेक्शन होता है उससे बचने की क्षमता रहती है उनमें। सर, जैसे कि आपने बताया कि बरसात के मौसम में बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो काट जाते हैं, जिनमें से अब एक जो है ये चांदीपुरा वायरस इंसेक्ट जो है वो भी सामने आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की भी जो है वो जान जा रही है। तो ऐसे में अगर कोई कीड़ा काट जाता है तो इंस्टेंट क्या किया जा सकता है? जैसे अगर शरीर पे कोई निशान उभर आए तो सुनते हैं कि ऐसे पानी से धुल देना चाहिए, साबुन से धुल देना चाहिए, या कोई ऑइंटमेंट है वो लगा देना चाहिए। तो क्या किया जा सकता है और क्या करना सही है आपके हिसाब से? देखिए, अगर कोई मच्छर काट रहा है या इस टाइप की चीज काट रही है तो छोटे मांकें आपको विजिबल भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई इंसेक्ट बाइट है या कुछ है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं सिंपल सोप वाटर से, और अगर उसको ओपन छोड़ सकते हैं अगर बहुत छोटा सा है। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इंसेक्ट बाइट है या चोट लगा है या क्या है तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। बट उसके अंदर कोई उसको छेड़ना, खरोचना, चाबी लगाना या इस तरह की कोई चीज करना वो ठीक नहीं रहता है। हाँ, आप उसको क्लीन कर सकते हैं और उसको ड्राई रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो बड़ा वूंड है, ज्यादा बड़ा है, या आपको मालूम नहीं है कि क्या है, तो इमीडिएट डॉक्टर की हेल्प लेना ही उचित रहता है। जी, चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी, वो चांदीपुरा वायरस से ही रिलेटेड है कि ये जो वायरस का दौर अचानक से शुरू हुआ है तो आपको क्या लगता है कि ये जो कब तक इसका खतरा जो है वो बना रहेगा, मतलब कि क्या पीरियड ऑफ टाइम रहेगा इस वायरस का, कि इस बरसात के पूरे बरसात के मौसम तक ये खतरा बना रहेगा या फिर कुछ समय बाद जो खतरा है वो टल सकता है? जैसे मैंने पहले कहा, ये इस तरह के साइकिल्स होते हैं, बीच बीच में आउटब्रेक्स होते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोजर हो रहा है, या बच्चे हैं या जो भी हैं उनको कितना वहाँ पे एक्सपोजर हो रहा है, कितना वहाँ पे उनको कोई इंसेक्ट बाइट हो रहा है, सैंड फ्लाई बाइट है, तो उन चीजों पे डिपेंड करता है। तो यूजुअली ये सेल्फ कंटेन्ड होती है, रीजनल एरिया में होता है और कुछ समय में सेटल हो जाता है आमतौर पे। चलिए, तो कुछ समय में जो है ये खतरा है वो टल जाएगा। बाकी आपने तमाम जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों को दी है कि किस तरह से चांदीपुरा वायरस से बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण हैं, तमाम जानकारी जो है उम्मीद करते हैं आप तक पहुंची होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया टीवी।